नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ के कन्नौज में रियासत काल से चली आ रही परंपरा के तहत रंग तेरस का पर्व मनाया गया। ये परंपरा साबा, नाहरगढ़, सुखवाड़ा और पंचदेवला गांव में सालों से चली आ रही है। डूंगरपुर में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने 19 मार्च को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एम्बुलेंस कर्मियों ने ठेका कंपनी पर समय पर मानदेय नहीं देने का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपुर क्षेत्र में बेखौफ ओवरलोड बसें चल रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अनजान बना हुआ है। नोखा में विराट हिंदू चेतना रैली के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लाहौटी चौक पे वेप और बजरंग दल की इस रैली का ऑफिस खोला गया है। रिंगस थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी मिठा लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्लॉट दिलाने के नाम पर खाटू श्याम जी की एक महिला से 2 लाख रुपए ठगे थे। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सावलिया जी में मासिक मेले का आयोजन किया गया, जो राजभोग आरती के बाद खुला था। डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने सरकार से पिछले साल जून 2017 में हुए समझौतों को लागू करने की मांग की है। खिलवाड़ा अस्पताल में पत्रकारों से भद्रता मामले में महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। लूण करड़सर में पूर्व मंत्री और किसान नेता भीम सिंह चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीकर के ताड़केश्वर मंदिर में चोरों ने चांदी की छत और मंदिर के सामान पर हाथ साफ किए। डूंगरपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीम की ओर से बच्चों के दांतों की जांच की गई। बौद्ध में संयुक्त किसान संघर्ष समिति की ओर से बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर निर्माण सामग्री से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से ऊंट की मौत हो गई। बीकानेर से श्रीगंगानगर की तरफ ट्रक डामर लेकर जा रहा था। फतेहपुर के आजाद अखंड चौराहे के पास रंगारंग फागोत्सव का आयोजन किया गया। सुवानिया में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। रतनपुर में राजस्थान गुजरात राज्य सीमा पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और आबकारी और पुलिस विभाग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। रामगढ़ के पास एक हार्वेस्टर मशीन से एक टैंकर की टक्कर से 4 लोग घायल हुए। कालू कस्बे में कांग्रेस की बैठक में प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में लोगों को जानकारी पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने दी। निमका थाना में पालिका दस्ते पर हमले के मामले में पालिका कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष त्रिलोक दीवान ने नगर पालिका में कर्मचारियों की बैठक ली। निम्बाहेड़ा में नागदा मेनारिया यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट का होली मिलन समारोह अंबा माता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। बिछवाड़ा में राज्य सरकार और पटवार संघ के मध्य हुए समझौते को लागू नहीं करने को लेकर पटवारी और प्रशिक्षु पटवारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मांगरोल में किसान लहसुन की कटाई में जुटे हैं, लेकिन भाव कम हो जाने से किसानों को नुकसान की आशंका है। गजनेर में ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने से बिजली पोल में करंट दौड़ गया। हादसे में एक गाय की जान चली गई। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, वहीं जेएन पर कार्रवाई की मांग की है। चौमू चंदवाजी स्टेट हाईवे पर कुशलपुरा के पास लगाए गए टोल प्लाजा का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नमाना में लगातार नहरों के जर्जर होने से किसान परेशान है, वहीं विभाग मरम्मत के नाम पर महज मिट्टी के कट्टे लगा रहा है। ईश्वरवाला गांव में पशु चिकित्सा शिविर में पशु आहार के बारे में जानकारी दी गई। सादुल शहर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहारन ने प्रेस वार्ता कर प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में जानकारी दी। कठमाड़ा के जाट मोहल्ले में अतिक्रमण के चलते जयपुर पीपलू जाने का रास्ता बंद हो गया है। वही सरपंच कई बार इसकी शिकायत भी किए कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोपालगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लोक संत भोला राम जी की देवरी में 83वां बरसी महोत्सव मनाया गया। रायकरणपुरा के नरसिंहपुरा में शहीद श्रवण सिंह स्मारक पर सुकमा में ईआईडी ब्लास्टिंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जाहोता के अटल सेवा केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर महिलाओं का सम्मान समारोह हुआ।
तारेरा में बरुधन गांव में पोल लगाने और वायर शिफ्टिंग से किसानों की तैयार फसल खराब हो रही है, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जेलू गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 8वीं के छात्रों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। गरसाना में ग्राम पंचायत 2 STR मुख्यालय पर जल योजना बेकार साबित हो रही है, बिना फिल्टर के पेयजल की सप्लाई की जाती है। नमाना में एसडीएम दीवांशु शर्मा ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया और जन समस्याओं को सुना। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया, वहीं विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। खाट सजवार में ग्राम पंचायत ने 3 लाख रूपये की लागत से एक खंडवजा सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। शिकायत पर जेईएन ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्रवाई की बात कही। अखिल भारतीय विजयवर की महासभा स्थानीय शाखा टोंग का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसे अभी भारी बारिश और ओलावृष्टि से जीरा सरसों और इसबगोल की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। कोटपुतली में इटली की ढाणी में पिछले 6 साल से हुए अतिक्रमण को नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। NH-52 पर राजावास के पास बेकाबू निजी बस ने 2 दर्जन बकरियों को कुचल दिया। हादसे में 8 बकरियों की मौत हो गई, वहीं एक महिला भी घायल हुई। बिसलपुर पेयजल योजना से अवैध कनेक्शन के जरिए पानी लिया जा रहा है, जिससे पीपलू टोडा राय सिंह तहसील के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बालेसर में अवैध शराब के 18 मामलों में जब्त शराब को पुलिस की मौजूदगी में नष्ट किया गया। दूदू थाना इलाके में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। ये शख्स अन्नपूर्णा होटल के पास संदिग्ध हालत में घूमता मिला था। बूंदी में विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला कलेक्टर सभागार में रसद विभाग की ओर से मेकिंग डिजिटल मार्केट विषय पर संगोष्ठी हुई। साधु शहर के एडवोकेट जगदीश जांगिड़ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सदस्य मनोनीत किया गया है। कापरेन में राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन योजना जारी रखने की मांग की है। तख्त हजारा सिखान में विधायक गुरचंद सिंह बराड़ के हाथों सोसायटी के मिनी बैंक का लोकार्पण किया जाएगा। शेरगढ़ में जिला उद्योग केंद्र फलौदी में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किया गया। बिजौलिया में सरपंच की जागरूकता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक की गई साफ सफाई कर पानी को पीने योग्य बनाया गया है। असनावर में पूर्व प्रधान स्वर्गीय कल्याण प्रसाद पाटीदार की नवी पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर में युवाओं ने 411 यूनिट रक्तदान किया। बिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ। देसरी उपखंड मुख्यालय पर चौधरा माता मंदिर के भव्य मेले का उद्घाटन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह रलावत और मंत्री ओटा राम देवासी ने किया। गंगापुर सिटी गर्ल्स स्कूल में बोर्ड की परीक्षा के दौरान 8वीं के परीक्षार्थी फर्नीचर नहीं होने के चलते परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। हरमाणा थाना इलाके के मचड़ा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदनौर में अवैध वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई कर लाजपुरा मानलगढ़ रोड पर 5 ओवरलोड ट्रैक्टरों को पकड़ा है। डग ब्लॉक में आशाओं को वीसी के जरिए टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। देसुरी में क्षेत्रीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में वाकबीज के समापन समारोह के बाद नई कार्यकारिणी भी बनाई गई। मानटाउन थाना पुलिस ने 4 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में सौंपा गया। बदनौर के NH-158 ब्यावर रोड पर मजीर रावजी की बावड़ी के चारों तरफ गंदगी का आलम है, लेकिन पंचायत इसकी सफाई नहीं करा रही। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कोटा आगरा पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का मंगलसूत्र चोर ने तोड़ लिया, जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोथरा में पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। जहाजपुर नगर में जूना चारभुजा नाथ मंदिर पर फूल डोल महोत्सव मनाया गया। बोली थाना पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए चांदनोली गांव में 4 लोगों को पकड़ा और नकदी बरामद की। कोटपुतली में होटलों और ढाबों में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी बाल मजदूरी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। धौलपुर में 3 रंगों की कैप पहनकर 3 रंग के ही बैलून हवा में उड़ाकर 2000 बच्चों ने मताधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया। आवर में मालदेवी मंदिर पर सैकड़ों कुंवारे युवक मन्नत मांगने उमड़े और अच्छे जीवन साथी के लिए दुआ मांगी। जिप्सम हॉल से आगे बाड़मेर जा रहे एक कोल्ड ड्रिंक से भरी
मिनी ट्रक हाईवे पर पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मोहनगढ़ में सीएससी में दंत रोग चिकित्सा शिविर लगा और 137 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। गढ़ी थाने का पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजाखेड़ा में जनसेवक संगठन ने छत्तीसगढ़ सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च निकाला। गनोड़ा गांव में ग्रामीणों ने रोडवेज बस कंडक्टर के बस में सवार एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध किया और कंडक्टर को हिदायत भी दी। फलसोन से 80 पर लंबे वक्त से एक्सरे मशीन बंद है, जिससे लोगों को निजी क्लिनिक पर जांच करानी पड़ रही है। झालरापाटन में एसबीआई बैंक में रुपए जमा कराने आए व्यापारी से चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच जारी है। सुल्तानपुर में सनफ्लावर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने परीक्षा उत्सव मनाया। हस्ताक्षर अभियान चलाकर नकल नहीं करने का संकल्प दिलवाया। मनिया में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते मनिया थाने के पास बनी पानी की टंकी से 3 दिन से सप्लाई नहीं हो रही है। सुंदरी गांव का मुख्य तालाब की 4 साल बाद पंचायत ने सुध ली और साफ सफाई का काम शुरू किया गया। रामदेवरा में मौसम में हुए बदलाव से किसान परेशान है। कुछ दिन पहले हुई बारिश से रबी की फसल को नुकसान हो चुका है। राजाखेड़ा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सबल अभियान 2018 के तहत स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घाटोल में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें जैन संत और समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। खानुआ मुख्यालय जन आंदोलन संघर्ष समिति के बैनर तले हुई महापंचायत में उच्चैन में खानुआ को सैदपुरा को जोड़ने का विरोध किया गया। टिब्बी में सत्कार होटल के पास कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए और कार ड्राइवर फरार हुआ। मोड़क में ग्रामीणों की सुविधा के लिए हर दिन बाजार लगेगा, इसका उद्घाटन सरपंच ममता मेवाड़ा ने किया। मड़ियाड़ा में राजकीय सामुदायिक अस्पताल में साफ सफाई नहीं हो रही है। पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है। गंदगी के चलते मरीजों को हमेशा संक्रमण का डर सता रहा है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा। संगरिया में निर्वाचन आयोग ने युवाओं और विशेष योग्यजनों का पंजीकरण करवाने के लिए तहसीलदार की अगुवाई में मैराथन रोड शो का आयोजन किया। कचौलिया गांव में ग्रामीणों के सहयोग से बने एनिकेच के कार्य का निरीक्षण दिगो तहसीलदार ने किया। भरतपुर में बीजेपी ग्रामीण मंडल ने जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह रजावत के नेतृत्व में नव मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। नाथवाना गांव में ब्लूवेल स्कूल में उपभोक्ता संरक्षण समिति ने विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया। मड़ियाना उपखंड क्षेत्र के भिकोड़ाई में बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज का भवन जर्जर है और विभागीय अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। भरतपुर में बीजेपी शहर मंडल की बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सांगोद में ब्लॉक कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। पीलीबंगा में 72 दिनों से चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया। मसूदा के किराए गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और उपखंड अधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। तहसीलदार और बीडीओ समेत इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। खाने को टेस्टी बनाए, मसाला नहीं सब्जी सलाद बन जाए, किसानों की जेब भर जाए, जब शिमला मिर्च उग जाए। कृषि दर्पण सुबह 6:30 पर। कुछ सुनना चाहती हूँ आपसे, कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, हर एक तह तक पहुंचना चाहती हूँ, हर एक सच को बाहर निकालना चाहती हूँ। तो आइए करते हैं कुछ मुश्किल पहेलियों को सुलझाने की कोशिश मेरे साथ, द रुक्मिणी कुमारी शो, एक नई रोशनी।
खाने को टेस्टी बनाए, मसाला नहीं सब्जी सलाद बन जाए, किसानों की जेब भर जाए, जब शिमला मिर्च उपजाए। कृषि दर्पण सुबह 6:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एसडीएम ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। 3 किसानों को मौके पर ही खातेदारी सनद जारी कर दिया गया। साधुशहर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहारा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस के प्रोजेक्ट शक्ति की जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की निष्क्रियता के सवाल पर उन्होंने नए कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात कही। मांगरोल में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की और मध्य प्रदेश से अवैध रूप से बजरी भरकर आ रहे 4 ट्रकों को जब्त किया। आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दी गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर के फलौदी में इंदिरा कॉलोनी के सामुदायिक भवन में आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा एवं जांच परामर्श को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। वहीं 247 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। खैरूवाला गांव में ग्रामीणों को अब शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। भाजपा विधायक गुरचंद सिंह बराड़ ने 1,06,00,000 की लागत से तैयार आधुनिक फिल्टर का लोकार्पण किया। गांव के कब्रिस्तान में इंटरलॉकिंग सड़क और हाईटेंशन लाइन का भी लोकार्पण विधायक के हाथों हुआ। जैसलमेर में फलसून की सीएचसी में 1 करोड़ की लागत से बनी धर्मशाला 3 साल से लोकार्पण का इंतजार कर रही है। निर्माण के 3 साल बाद भी धर्मशाला का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि अस्पताल के अन्य कर्मियों ने ही धर्मशाला भवन पर कब्जा कर रखा है। झुंझुनू मुख्यालय पर व्यापारी से मारपीट के विरोध में आज बंद रहा। सुबह से ही बाजार नहीं खुले। बाजार में कुछ दुकानें खुली थी, उन्हें भी बंद करवा दिया गया। व्यापारियों ने सुबह बाजार में रैली भी निकाली। करौली में सूचना सहायक की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में आज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर के खिलाफ इस दौरान नारे भी लगाए गए। दरअसल कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे ये लोग, लेकिन कलेक्टर ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गए। पोखरण में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त जांच एजेंसियों को सौंप दिया है। वह संदिग्ध शाही जलानी से संयुक्त जांच एजेंसियां जैसलमेर में गहन पूछताछ करेंगी। कुछखेड़ा के पास सलारपुर गांव में हरियाणा सीमा से लगते रास्ते पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़क के काम को रुकवा दिया गया। सीमा से लगते हरियाणा के किसानों ने निर्माण काम रोक दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव हो गया और दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए। उदयपुर फतेहनगर रोड पर बड़ी संख्या में सूखले से भरे ट्रक गुजर रहे हैं, जिससे रोड पर हमेशा हादसे का डर बना रहता है। रिंगर से बढ़ती हुई वारदातों को लेकर पुलिस ने बुलेरो सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोर एचएसपी फैक्ट्री के विद्युत तारों को काटने की फिराक में थे। सूचना पर पुलिस ने बुलेरो सहित एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। देवगांव में स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल रही है। गांव में चोरों और कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है और ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में प्रसव के बाद नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में 4 दिवसीय IYCF ट्रेनिंग लगी। सपोटरा में उपजिला कलेक्टर राजपाल सिंह यादव ने उपखंड के सपोटरा, हड़ौती, कुड़गांव, नारौली, डांग, इनायती कस्बों में व्यापार मंडलों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार और निजी संस्थाओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया गया। मोढ़ी गांव में जाट समाज की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शादी समारोह में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए नए फैसले लिए गए। ब्यावर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर होने वाले आयोजन की सफलता को लेकर नव संवत्सर समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इंडौल सिटी के सुरौर कस्बे से होकर निकल रहे स्टेट हाईवे के दोनों नालियों न होने से कीचड़ और पानी भरा हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद भी विभागीय अधिकारी और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मावली की कारागृह का विशेष टीम की ओर से औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। हिंडौन सिटी के पटोदा गांव में महिला मोर्चा देहात मंडल की ओर से लक्ष्मीबाई महिला राजीविका ग्राम संगठन समूह का उद्घाटन किया गया।
इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और आम जन तक योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया गया। टांटोटी में जोताया गांव में चोरों ने एक मकान को इशारा बनाकर लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने 4 तोला सोने और 1 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए। मामले की जांच जारी है। टिंगरी गांव के पास उदयपुर सराड़ा रोड पिछले 1 साल से खस्ता हाल है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। डोडा भीम में राज्य सरकार की ओर से अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष ने किया। लाडनू में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधान पुष्पा कंवर ने शिरकत की। वही बैठक में सरपंचों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में बैठक का बहिष्कार किया। सीकर के श्रीमाधोपुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अखिल भारतीय चिकित्सक संघ के आह्वान पर फिर आंदोलन की राह पर है। सभी डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर वेतन विसंगतियों का विरोध किया। जालौर के भीनमाल में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। ग्राम पंचायत रामसीन में नियमित सफाई नहीं हो रही है। नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीकर के खाटू श्याम जी में सुबह तेज गर्जन के साथ बारिश हुई, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान इस समय गेहूं की फसल कटाई में लगे हुए हैं। बारिश होने से फसल में बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खाने को टेस्टी बनाए, मसाला नहीं सब्जी सलाद बन जाए, किसानों की जेब भर जाए, जब शिमला मिर्च उग जाए। कृषि दर्पण सुबह 6:30 बार। डीवी सदानंद गौड़ा की पदोन्नति संभव है, अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है। कंगना रनौत की मल्टी स्टारर फिल्म सफल रह सकती है। अलका याग्निक को खास पुरस्कार या अलंकरण मिल सकता है। रानी मुखर्जी को विशेष सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। स्मृति ईरानी का उम्र के इस वर्ष में मंत्रालय बदल सकता है। अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है। हमारे माननीय राज्यपाल साहब जो हमें बहुत प्रिय हैं, क्या उनको स्वाइन फ्लू है? राज्यपाल महोदय का स्वाइन फ्लू टेस्ट हमारे यहाँ पॉजिटिव आया था। तो सर और कहीं नेगेटिव कैसे आ गए? वहाँ के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको नेगेटिव है, नाउ यू कैन मूव। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है स्वाइन फ्लू के अंदर। 5 घंटे में पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय है कि ये क्यों नेगेटिव आया। धोखा दिया किसी और ने, भुगतना पड़ा किसी और को। बेवफाई का ऐसा अंजाम जिसे देख दहल उठेगा पूरा हिंदुस्तान। देखिए मेरे साथ यानी पंडित आशुतोष कौशिक के साथ टाइम 5 प्यार इश्क और गुना सीजन 1। आप बता सकते हैं मैंने आपको पहले कहाँ देखा? मुझे याद नहीं। बताओ ना दीदी, तुमने क्या कहा और उसने क्या कहा? मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, तुम्हारे मान तुम्हारे गुस्से को सहती रही मैं, अपने हर बालों को घोटती रही मैं। देखिए पूरी फिल्म आज रात 11 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर।
आयोजक हैं रिसर्च जीरा बीज अवनी ही बोइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ चित्रा। देश में उपज के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि अनाज और फल सब्जी की बंपर पैदावार हुई है और ये आने वाले दिनों की सुनहरी झलक देती है, क्योंकि ये सफलता तब है जब हमारे बहुत कम किसानों ने आधुनिक विधियां अपनाई हैं। जब ज्यादातर किसान खेती में मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएंगे तो हमारा उत्पादन और बढ़ेगा और हमारे किसान ज्यादा खुशहाल होंगे। कृषि दर्पण का उद्देश्य भी यही है। खाने को टेस्टी बनाए